आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल कैडेट्स ज्ञान में। तो आप लोगों को पता है जैसा कि यहाँ पर BSF रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिन कैंडिडेट के आए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि उनका फाइनल भी अब हो जाएगा जिनका मेडिकल में आया, यदि मेडिकल में फिट हो जाते हैं। और आप लोगों को बता दें जैसा कि हमने बहुत पहले बोल दिया था कि यहाँ पर आप लोगों के मेडिकल के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके 5 से 6 दिन आएंगे और शाम के टाइम आएंगे। जो जिसने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा उसको क्लियर होगा। बहुत से बोल रहे थे यूट्यूबर लोग बोल रहे थे कि आपके एनवलप में आएंगे या फिर अभी डेट आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वो भी उसके चक्कर में आप इधर उधर देखते रहते हैं तो वो बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने बोला भी था कि आपके जिस प्रकार आपने रिटर्न एंड फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वहाँ पर साइनअप करके उसी प्रकार के आपके आएंगे और सेम टाइम आएंगे, ये भी मैंने बोला था। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने इस प्रकार बोला था तो आप लोगों के शाम को एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट में बोल रहे थे कि यहाँ पर मेरा डिक्टेशन टेस्ट भी अच्छा हुआ था फिर भी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो। तो यदि टेक्निकल इशू है तो वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा 24 घंटे, यानी कि आज शाम तक बोल सकते हैं अगर आपका आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आप डिक्टेशन टेस्ट या फिर कहीं ना कहीं आप फेल हुए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको सर्टी है कि मेरा डिक्टेशन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर है, उस पर जाकर आप एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं, अपने ये बता सकते हैं कि इस प्रकार मेरा डिक्टेशन टेस्ट भी अच्छा हुआ तो फिर यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन होगा तो आप लोगों का बताया जाएगा। तो अब आप लोगों की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर समथिंग रेडियो ऑपरेटर में 982 आपकी पोस्ट है और रेडियो मैकेनिक में 330, ये सरकारी रिजल्ट पर यहाँ पर बताई हुई है। पोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, तो समथिंग यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी क्या चांसेस हैं कि आपके फाइनल भी हो जाएगा यदि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि अभी कैंडिडेट हमको जो हाईएस्ट वीडियो मैंने देखी है वहाँ पर 6000 समथिंग व्यूज हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं जो है तो 6000 से ऊपर भी 6500 भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो 500 या 1000 समथिंग व्यूज होते हैं तो वो बोल सकते हैं स्टूडेंट के नहीं है, वो अदर लोग भी देख लेते हैं, कुछ यूट्यूबर भी देख लेते हैं कुछ और डबल मोबाइल से देख लेते हैं तो व्यूज के नंबर ऑफ व्यूज बढ़ जाते हैं। तो हम सपोज कर सकते हैं कि 6000 या 5000 अभी मेडिकल के लिए कॉल किया गया है। तो ये देखिए एग्जैक्ट डाटा नहीं, सिर्फ व्यूज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इतने लोग अभी मेडिकल के लिए हैं, तो यहाँ पर और फालतू में कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं देखेगा, यानी कि जिनका मेडिकल है नहीं आगे या फिर जिसने पास नहीं किया तो वो ज़्यादा लोग नहीं देख लेंगे। और फिर मैंने संख्या भी कम कर ली है, जो समथिंग 7000 व्यूज हैं तो 6000 ही जोड़ रहे हैं, इसमें से आपके 3000 ही बचेंगे मेडिकल के बाद, क्योंकि आधे लोग बिल्कुल आउट हो जाएंगे मेडिकल में बहुत से लोगों। और देखिए यहाँ पर आपके इधर 6000, 7000 या 5000 के बीच में ही आपके कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ व्यूज से पता लग जाता है, क्योंकि जिसका भी यहाँ पर मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट वेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं वीडियो देख रहा है, तो वो सभी जो सीरियस कैंडिडेट हैं यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उन्हीं लोगों के व्यूज़ हैं। और कोई देखिए बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो ही जाती है, कहीं ना कहीं पॉइंट निकल जाता है, और आप लोगों को पता है 15 से स्टार्ट है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है और रीमेडिकल का भी टाइम यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो कोई भी पॉइंट बन गया तो फिर वो बहुत कम चांस है कि आप यहाँ पर फिट हो पाए यदि कोई सीरियस पॉइंट है। तो हम सभी से कहेंगे जो यहाँ पर मेडिकल आप लोग आराम से दें, मेडिकल होने के बाद आपके बहुत चांसेस हो जाएंगे यहाँ पर कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी इसमें हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं, कुछ पोस्ट सुना था कि डिपार्टमेंटल वाली इंक्रीज भी हुई है, तो पोस्ट आपके पास इनफ है यहाँ पर, और इतने लोग तो अभी आउट होंगे, अब तो कुछ यहाँ पर बढ़ के ही आएगी। जिसने देखिए यहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट हुआ है, जिसने डिक्टेशन टेस्ट में अच्छा किया है समथिंग 35 या 40 बोल सकते हैं आउट ऑफ यहाँ पर 50 में, यदि उसके बॉर्डर पर भी नंबर है तो बहुत चांसेस हैं कि उसका फाइनल भी हो जाएगा, और फिर अब आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, आपका यहाँ पर पता लग जाएगा। अभी मेडिकल देखिए 15 से स्टार्ट है, चलेंगे मार्च तक तो चलेंगे क्योंकि टाइम लगता है मेडिकल एंड रीमेडिकल होने में, पूरा मार्च निकल जाएगा। तो और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, और जिनका भी नहीं आया तो वो पैनिक ना हो, एक बार फिर बोलेंगे जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया है मेडिकल के लिए तो पैनिक ना हो, एक बार आज शाम तक का भी वेट कर सकते हैं, तो आना होगा फिर आपका आ जाएगा। कुछ है सेंटर का, मैंने स्टूडेंट के कमेंट देखे हैं कि यहाँ पर नहीं आया, तो अगर होगा कुछ तो आपका आ जाएगा, अगर आप पास हैं और नहीं हैं तो फिर आप फेल हैं डिक्टेशन टेस्ट में, और कुछ उनकी तरफ से है तो आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा पैनिक होने की यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है। और कोई भी क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।